हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज़ आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस, जमशेदपुर। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स अलजेब्रा में ही अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कंडीशंस को जानना ज़रूरी है। नोट, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, इफ नॉट दे कांट। अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर मतलब लास्ट क्लास मैंने समझाया था, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं तो दोनों मैट्रिसेस को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, लेट ए इज इक्वल टू, पहले रो में रखा है मैंने 2, 3, दूसरे रो में 4, 5, ऑर्डर क्या है 2 by 2। बी मैट्रिक्स, पहले रो में 6, 3, दूसरे रो में 9, 4, ऑर्डर क्या है 2 by 2। नाउ हाउ टू ऐड, ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस दूसरे मैट्रिक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले ऐड करने से पहले आपको ये देखना है कि ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं। अगर सेम ऑर्डर के होंगे तो ही जुड़ेगा या घटेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में हम बाद में सीखेंगे। एक्चुअली में आपको देखना है कि ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं या नहीं। सेम ऑर्डर के हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नाउ आप कैसे ऐड करना है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। मतलब क्या कि सेम एड्रेस वाले एलिमेंट ही जुड़ेंगे। इस एलिमेंट का, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट का एड्रेस क्या है 2, ये 2 का एड्रेस क्या है A11, पहले रो का पहला एलिमेंट है। ये दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, दैट इज 2 plus 6, फिर 3 plus 3, 4 plus 9, 5 plus 4, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट ही ऐड होंगे। इसका एड्रेस क्या है A21, मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट। ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे रो के पहले एलिमेंट से ही जुड़ेगा। 2 plus 6, ये रिजल्ट बन गया हमारा, इसको ऐड कर देंगे, 2 plus 6, 8, 4 plus 9, 13, 3 plus 3, 6 एंड 5 plus 4, 9। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है कि दो मैट्रिक्स को हमें घटाना है, ए माइनस बी। तो मैंने एज इट इज़ उस दोनों मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया माइनस। अब क्या करेंगे, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 minus 6, 3 minus 3, 4 minus 9, 5 minus 4, ये घटकर जो एलिमेंट तैयार करेगा -4, -5, 0, -1, ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। नाउ दूसरी चीज़ है बी पार्ट में कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्कैलर को हम नंबर भी कहते हैं विद अ मैट्रिक्स। किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से कैसे गुणा करें। लेट ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया पहले रो में 3, 1, 5 है, दूसरे रो में 4, -3, 2 है, तीसरे में 0, 1, -4 है। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए बाय द स्केलर 5। 5A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 5। सारे आपको क्या करना है, 5 से जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर एक एंट्री को, ईच एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5, सारे एंट्री को 5 से गुणा करेंगे। 5, 3 जा 15 हो जाएगा, 5, 4 जा 20, 0, 5, -15, 5, 5, 5 जा 25, 5, 2 जा 10, 5, 4 जा -20। और ये बनने वाला रिजल्ट भी आपका 3 by 3 का ही होगा। नाउ अनदर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है 2, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 by 3 का, इसका भी ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम्स। हमें फाइंड करना है 2A plus 3B एंड 5A minus 2B। ओके, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर, गिवन केस को लिख दिया उस मैट्रिक्स को ए और बी में जो मैट्रिक्स है। नाउ
हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b। 2 इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया जो गिवन है, 3 यहाँ से, और इस b मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। 2 से सारी एंट्री मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2। फिर 3 से भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे, तो जो जोड़कर जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ 5a माइनस 3b सेकेंड पार्ट है उसका। 5a मैट्रिक्स को हम वहाँ से लिख देंगे, a मैट्रिक्स हमारा जैसा है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा माइनस 3, b मैट्रिक्स यहाँ पर जैसा है वैसे ही उठकर यहाँ आ जाएगा। 5 से सारे एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स बनेंगे अरेंजमेंट्स वैसे ही होंगे। 3 से सारे एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अरेंजमेंट्स बनेंगे, जो भी नंबर्स बनेंगे 6 3 0, 12 27 18, और सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को हम घटा देंगे, 15 माइनस 6, 5 माइनस 3, 25 माइनस 0। घटाने के बाद 10 माइनस 12, जैसे भी है सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को। ध्यान रहे, पहला वाला अगर मान लो पहले रो का पहला एलिमेंट है तो पहले रो के दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से या तो जुड़ेगा या तो घटेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन, प्लस या माइनस है। तो जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका आंसर होगा। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी उसका ऑर्डर वही होगा। मैंने पहले भी शुरू में बता दिया कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, मतलब बनने वाला रिजल्ट भी सेम ऑर्डर का ही होगा। यहाँ पर भी देखो दो रो बने हैं और 3 कॉलम बने हैं। ओके, ठीक है, आज के इस लेक्चर्स को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस। थैंक यू।